पुरस्कार देने वाले हमारे गुंजन जी, राम कुमार पाल और गुरुमा जी और उसकी सब टीम को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। हर सेक्टर के इंटेलेक्चुअल लोगों को ये प्रेरणा पुरस्कार दे दिया है। अभी पुरस्कार का नाम क्या होता है कि किसी से रिश्वत लेने के लिए के नहीं, लेकिन ये असली पुरस्कार वाले लोग हैं। वैसा जो ब्लड वाले ब्लड डोनर डाडर है हमारे, सब लोग है, टीचर लोग है, जो फिल्म लाइन के एक्टर है वो भी लोग हैं, और जो जो लोगों ने हर क्षेत्र में एनजीओ में अच्छा काम किया है वही हमारे कई सिस्टर लोगों को ये पारितोषिक दिया है। तो ये लोगों से क्या दिल जुड़ जाता है, और खुद के लिए कुछ करने से हिस्ट्री नहीं बनती, दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये हिस्ट्री बनाने वाले का काम है। मैं ये ऑर्गेनाइज को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, और मैं एक साल से मैं भी जुड़ा हूँ ये ऑर्गेनाइजर के। मैं अभी अगली बार तो जुरू का ही काम करूँगा ही, क्योंकि हम पॉलिटिकल से थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के लिए जब हम फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, वैसा ही रिलैक्स होने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, दिल से लगा। और कोई भी काम दिल से करेगा तो हम सक्सेस बन जाते हैं। मैं मेरी राष्ट्रीय समाज पार्टी के तरफ से सब इंडिया के जो लोग आए हैं उसको भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, और उसके जो ऑर्गेनाइज टीम है उसको भी तन मन धन से मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा। 9 तारीख को जो नेशनल प्राइड अवार्ड का फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन दिल्ली में है उसको भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। मैंने तो गुंजन जी का और राम कुमार पाल को बताया है कि जहाँ जगह आप बुलाएंगे, इंडिया के बाहर भी आप बुलाएंगे तो मैं आने के लिए तैयार रहूँगा। तो मैं सभी आने वाले ब्लड डोनेशन रहे, टीचर रहे और इंटेलेक्चुअल रहे, कोई मूर्ति बनाने वाले रहे, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ मेरे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के तरफ से ही। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग्स टू द राष्ट्रीय समाज पार्टी, आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी, वो सभी हिसाब से मैं आपके साथ रहूँगा। देश के लिए ये लोग काम करने वाले हैं उसको थोड़ा हौसला बुलंद हो जाएगा और आगे वो देश के हित में आ जाएगा। यही मकसद के साथ मैं ये गुंजन की टीम के, राम कुमार पाल की टीम की सभी का अभिनंदन करके आपकी तहे दिल से उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम। प्रेरणा अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया है, क्या लगता है वो इसके कारण उनको ये अवार्ड जो दिया गया है वो सभी लोग उस अवार्ड के लायक थे? मैं कहता हूँ सब लायक थे, मेरे साथ बैठा है उसको आप ही डाइजेस्ट, आप जुड़े रहेंगे तो उसको आप अवार्ड देने के लिए लायक है। उसमें कोई ऐसा ना करने वाला नहीं था, ये और खुद का पैसा लगा के लोगों ने मेहनत करके किया है, ये लोगों को हौसला बुलंद हो गया। उसने इंडिया उन्हें वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा हौसला बुलंद होने की काम है। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, ये लोगों को मैं धन्यवाद क्यों देता हूँ? कोई पीठ के ऊपर हाथ मारने वाला तो आदमी चाहिए। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको सुलाने के लिए जगह करती है। तो ये बच्चे के मतलब सभी देश के हित में काम करने वाले कोई रिपोर्टर रहेंगे, हमारा रिपोर्टर है बहुत, तो वो रिपोर्ट को भी थोड़ा लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये लोगों की जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है कि ये शील्ड मिला है, ये जो सम्मान पत्र मिला है उससे लोगेंगे कि मैं समाज को धोखा नहीं दूंगा, न धोखा दे के देश के हित का जो काम करूंगा वो करने के लिए लायक बन जाएगा। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, गुरुमा जी रहे, ये सब टीम है, वो दिल लगा के काम करते हैं, तो वो है उसके साथ मैं भी वो टीम का कार्यकर्ता बनकर रहूँगा। आई एम नॉट लीडर, आई एम ए कैडर, इस हिसाब से मैं उसके साथ रहने की कोशिश करूँगा। और 9 तारीख को आप सभी को मैं धन्यवाद दिला रहा हूँ। इंडिया के सब कोने कोने से लोग आए हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कोई ऐसा फटाफड़ा नहीं था और किसी को उल्लू बनाने वाला नहीं। और ये तो नगरी, ये जो नगरी है तो फिल्म सिटी की नगरी है, बहुत बड़ी। आपको मालूम है कि सबसे इंडिया में ज़्यादा नाम किसको मिल जाता है, तो सेलिब्रिटी को, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है चाहे इंडस्ट्री ले, इसमें और पॉलिटिक्स में रहता है। तो पॉलिटिक्स हम अभी नाम नहीं लेने के लिए तैयार, क्योंकि पॉलिटिक्स में टेंशन ज़्यादा है, इससे बहुत रिलैक्सेशन है। इसीलिए मैं सभी का जो जो लोग इंडिया से आए हुए कोने कोने से आए लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो टीम है खुद का पैसा लगा के 8-10 दिन से मेहनत करके ये सब प्लान किया, और मीडिया लोगों को भी मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि आपके ऐसे ऐसे देश के कोने कोने तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कारगिल तक ये मैसेज आप भी भेजेंगे। इसी बदौलत मैं आपको भी सभी का, मीडिया रहे, सब डिपार्टमेंट रहे और ऑर्गेनाइजेशन टीम के प्राइड ऑफ नेशन और ये प्रेरणा पुरस्कार के लिए जो संयोजक है उसको मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और मैं मेरी पार्टी है उसके राष्ट्रीय समाज पक्ष के तरफ से उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जानकर साहब, जानकर साहब, मध्य प्रदेश में जो बैट कांड हुआ, बैटिंग कांड, आकाश विजयवर्गीय ने जो किया, आप एनडीए के महायुति के आप पार्टनर हैं,
कैसे देखते हैं इस बैट कांड को? साहब मैं बताना चाहता हूँ, असलियत तो अलग है, मैं भी मिनिस्टर हूँ, सब ऑफिसर सुनते नहीं तो ठीक है, लेकिन गलत तरीका है और कोई पार्टी भी नहीं बचाए, तरीका गलत है, मान गलत है, लेकिन ये है सोच समझ के चलना चाहिए, ब्यूरोक्रेट नहीं और लॉ मेकर और लॉ इम्प्लीमेंटर दोनों में गलत हो रही है। तो लॉ मेकर जब सुझाव लेता है तो रवैये से चलना चाहिए, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े से हिसाब से चलना चाहिए, उसके ज़्यादा उठाए मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, वही ऑफिसर ने कोई थोड़ी सी छोटी गलती की होगा, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि विजय वर्गी का उसका कोई फॉल्ट नहीं है, हर आप बहुत अच्छा एडिटर है, आपके बेटे ने और बेटी ने गलती किया तो आपकी क्यों होती है, पार्टी को क्यों बदनाम करते हैं, मतलब ये मेरी सोच, कोई कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, राष्ट्रीय समाज पक्ष रहे, कोई पार्टी नहीं, एक आदमी रहता है तो वो गलत होता है तो गलत हो सकेगा, लेकिन मैं ये मुद्दा आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा हम अच्छी बातें कर रहे हैं, थोड़ा वो उजागर करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन का देश के हित में स्वच्छता अभियान अच्छा चला रहा है, उसके बारे में थोड़ा बढ़ाओ, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट जलयुक्त शिवार बना रहे हैं, आदमी के लिए एम्बुलेंस रहती है लेकिन जानवरों के लिए एम्बुलेंस निकल मैंने महाराष्ट्र में बना दिया, जानवरों के लिए ये भी सोचना चाहिए, हम जो अच्छे काम करते हैं थोड़े ठीक है, आदमी होता है गलत होता है थोड़ा सा होता है, वो नहीं होना चाहिए, हम गवर्नमेंट की शपथ लिया है, वोट लिया है, तो हमें संविधान की पूरी जानकारी जिम्मेदारी रख के हमें लफ्ज हमारे निकलना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ, और आज के टीम के राम कुमार पाल, गुंजन जी, ये सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, वो टीम में मैं भी शामिल होऊंगा, यही आपके साथ उसको वादा करूँ, थैंक यू। पत्रकारों को हाँ पत्रकार आप लोगों के सहयोग से ये मेरा दूसरा कार्यक्रम रहा है दादा साहब फाल्के के बाद, और भी मेरे ऐसी बहुत प्रयास है कोशिश है, और हमारा दिल्ली में 9 तारीख को बड़ा अवार्ड है जिसमें 26 मिनिस्टर केंद्रीय मिनिस्टर आ रहे हैं 9 तारीख को, उसमें भी आप लोग का सहयोग मिले ये अपेक्षा करता हूँ, और यहाँ पे अगली बार बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम करने की चेष्टा है जिसमें ओनली उद्योगपति डॉक्टर्स और विकलांग और जो महिलाओं पे एसिड के अटैक हुए थे जो सरकार ने प्रॉमिस किया कि इनको सम्मान देंगे और ऐसी महिलाओं को किसी को सम्मान मिला नहीं है, वो पूरी टीम भारत से जमा करके एसिड अटैक की ग्रसित महिलाओं का सम्मान उनको बख्शिश भी देंगे सम्मान भी करेंगे और फिर राजनीति वालों को जगाने का कोशिश करके आपने बहुत इनको प्रॉमिस किया लेकिन इनका सम्मान नहीं है इनका हक नहीं दिया, ये मेरा एक प्रयास है अगला कार्यक्रम वही होगा एसिड पीड़ित महिलाएं। नहीं ये तो हम 11 साल से करते आए लेकिन पहली बार मुंबई में किए हैं, गुरुग्राम दिल्ली गाजियाबाद हरियाणा में करते आए, और गुंजन भैया पुष्कर मेहता जी ऐसी हमारी पूरी टीम है प्रेरणा आवाज की नेशन इंडिया की उसके तहत करते आए। अभी तक तो हम लोगों ने नेशन इंडिया में भारत के 2500 शिक्षकों को दिया है और उसके बाद में विकलांगों को दिया है नागपुर में दिल्ली में, अब हम अलग से प्रयास कर रहे हैं नारी में एसिड अटैक वाले जैसे ग्रसित लोगों को अवार्ड देना सम्मान देना और समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू